सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आदित्य तन्वी ब्लॉग। आज हम लोग निकले, आप देख सकते हो मेरी धनो पीछे खड़ी है मेरी टाटा पंच। हम लोग निकले हैं शिरडी के लिए और आज मेरी गाड़ी जो टोटल रनिंग होने वाली है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर। तो इसका आज माइलेज टेस्ट पूरा करेंगे, क्या माइलेज दे रही है। रिसेंटली मेरी 4 सर्विस में माइलेज रिलेटेड करा चुका हूँ तो इसको पूरा देखेंगे। सो ये माइलेज टेस्ट का वीडियो आने वाला है, इसका पूरा ये डिटेल रिव्यू होने वाला है। 500 किलोमीटर चलने के बाद क्या माइलेज देती है। अभी तक मुझे सिटी में 12 मिल रहा है और हाईवे पे 15 मिल रहा है। अब मैं ये लॉन्ग टूर पे लेके जा रहा हूँ, देखते हैं क्या माइलेज मिलता है। सो आ गए हैं गाड़ी के अंदर, पर आपको दिखाते हैं ट्रिप कैसे सेट करते हैं, ट्रिप सेट करते हैं और कितना किलोमीटर गाड़ी रन होती है, कब मैं फ्यूल का पेट्रोल फिल करता हूँ, क्या है पूरा डिटेल आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग गाड़ी में 3 लोग होने वाले हैं, ड्राइवर और 2 जन, 3 लोग जा रहे हैं। गाड़ी फुल लोडेड नहीं है, लगेज कुछ खास नहीं है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो अभी ट्रिप सेट करते हैं। सो देखिए ट्रिप सेटिंग के लिए, ट्रिप सेट के लिए अभी मेरे को देखो एवरेज दिखा रहा है MIDP 11.13 और ये जो मेरा ट्रिप था 57 किलोमीटर का था। तो मुझे करना क्या है, ये हो गया 126 किलोमीटर, 4051 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी 4051। अब मैं जाऊंगा ट्रिप बी पे, मेरे को कुछ सेकेंड के लिए ये टोंगल को प्रेस करके रखना है और फिर इसको प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए जीरो, ट्रिप बी पे 0 दिख रहा है। अभी गाड़ी सिटी मोड पे है, जैसे मैं गाड़ी को आगे स्टार्ट करूँगा, आगे लेके चलूँगा, सिटी मोड भी चलेंगे और हाईवे पे हम लोग इसको इको मोड भी लगाएंगे। तो इस तरह का MIDP पे दिख रहा है, पूरा डिटेल आपको इसमें आने वाला है। तो मैं आगे जैसे जैसे गाड़ी, जैसे हम लोग ब्रेक लेंगे और जब पेट्रोल फुल करेंगे तो वो सारा डिटेल आपको हम बताते रहेंगे। तो एक देख लीजिए कितना किलोमीटर चलने वाली, वो भी होने वाला है। टाइम हो रहा है 11:08 रात के। पेट्रोल तो हमने इनको बोला है फुल करने के लिए, हाँ चलेगा, चालू कर दीजिए। यहाँ पे रेट है 105.88, फुल करते हैं, टैंक टू टैंक भी ट्राई करेंगे आपको बताने के लिए, बट नॉर्मल क्या माइलेज दे रहे हो सबको पता चल जाए। आपको मिलते हैं और डिटेल में बताते हैं। अबाउट टू रीच शिरडी। अब आप देखो हाईवे पे पूरा रात है, अंधेरा है, आगे पीछे गाड़ी नहीं है, तो मैं पंच की लाइटें दिखा रहा हूँ किस तरह से पड़ती है। काफ़ी सफिशियंट लाइट है, इतना ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है हाईवे पे। मैं कंटिन्यू ड्राइव कर रहा हूँ और इस समय आप देखोगे मेरे मीटर पे 4:16 हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी लाइट पड़ रही है। इन टर्म्स ऑफ माइलेज तो थोड़ा इंक्रीज हुआ, इट्स शोइंग नाउ 15.3। इको मोड पे चल रहा हूँ मैं, स्पीड भी मेंटेन करी हुई है, गेयर भी प्रॉपर है, हाईवे पूरा क्लियर है, दिख तो अच्छा रहा है। कोई ऑल ऑफ सडन अगर ब्रेकर वगैरह आ रहा है छोटा मोटा तो वो थोड़ा इग्नोर करना पड़ रहा है, बिकॉज मैंने अपर लाइट जलाया हुआ है तो थोड़ा सा वो एक डिफिकल्टीज कभी कभी आ रही, बट इतना कोई इश्यू नहीं है। अगर आप नाइट ड्राइव कर रहे हो तो इतना माइनर चीज़ें तो होंगी, क्योंकि ये प्योर रिदम है जिसमें आपको नॉर्मल बल्ब मिलते हैं, प्रोजेक्टर लैम्प नहीं मिलता है, हेलोजन बल्ब है, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी लाइट है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। हाँ मेरे को अगर सिटी में जाता हूँ, छोटे मोटे रस्तों पे जाता हूँ मैं, तो वहाँ पे टर्न में थोड़े से इश्यू आते हैं, बट हाईवे पे तो एकदम क्लियरिटी है, प्रॉपर है। तो हम शिरडी पहुँच जाएंगे कुछ अगले 15-20 में, तो बाकी की चीज़ शिरडी की आपको बताते हैं। सो फाइनली वी रीच शिरडी और मैंने चला लिया है गाड़ी 200 किलोमीटर और कल वापस, अभी बज रहे हैं 5:40, अभी आज दर्शन पूजा करके कल सुबह वापस टैंक फुल करेंगे और आपको दिखाएंगे। पे जो दिख रहा है माइलेज सोइंग 15.5। अभी हम लोग आ गए पेट्रोल पंप पे और हमारी गाड़ी चल चुकी, कितना किलोमीटर आपको अंदर दिखाता हूँ मैं MID पे। अभी जरा फुल करते हैं वापस से और देखते हैं कितना पेट्रोल बैठता है। 0 दाखवा यानी फुल करा ऑटो पेट्रोल, फुल करा जी। हाँ ऑटो पेट्रोल। सो अभी भैया यहाँ पे डाल दिए है और 0 इन्होंने कर दिया, यहाँ पे आप देख लीजिए। हाँ ऑटो कट ओवर ठेवा, सारा का रेट तुम्हारे 107 हो सकता
रास्ते है आमचे मुंबई वडून 1 रुपये मांग है के ये अभी देखते हैं कितना बैठता है गाड़ी में। शर्मेंट इसलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ किलोमीटर कितना चला है हमारा ट्रिप में। सो ये ट्रिप में अगर आप देख पा रहे हो किलोमीटर हमारा चल गया है दैट इज 241.1, माइलेज दिखा रहा है यहाँ पे 15.5 का और अभी फुल कर रहे हैं, देखते कितना बैठता कट जाला। हाँ अभी ऊपर का ना इसको राउंड फिगर 1700 कर दो तो हाँ तो वहाँ पे भी हमने 70 रुपये जो ऊपर डलवाया था यहाँ पे भी डलवा रहे हैं 1700 राउंड करा 1700। तो ये हमारा आ गया 1700 रुपया 15.95 लीटर। कितना किलोमीटर चला वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। ये हुआ हमारे गाड़ी में पेट्रोल बैठा टोटल 15.95, ऑलमोस्ट 16 लीटर बैठा है। तो 16 लीटर में गाड़ी कितनी चली है ये भी बताता हूँ आपको, एक बार इनको पेमेंट कर दे भैया को। आप देखिए 241.1 किलोमीटर 15.55 कितना किलोमीटर है कितना लीटर है वो आपको बता देता हूँ। 16 लीटर आया है कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन ये आ रहा है 15। मैं आपको डिटेल कैलकुलेशन कैलसी पे पूरा दिखाऊंगा। तो ये 15 का एवरेज आ रहा है 1 लीटर में 15 किलोमीटर तो 15 का माइलेज आ रहा है। एग्जैक्ट कैलकुलेट करके आपको हम बताएंगे तो स्क्रीनशॉट और सब डिटेल में डालने वाला हूँ वीडियो में वो आगे आएगा। सो यहाँ पे हम करते हैं ब्लॉक का एंड। टोटल 423.6 मतलब 424 किलोमीटर गाड़ी ऐसे चल गई और 27 किलोमीटर पहले चली हुई थी। तो ये ट्रिप की बात करो यहाँ पे माइलेज मुझे दिखा रहा है 15.9 का इंक्लूडिंग सिटी एंड हाईवे। पूरा कैलकुलेशन डिटेल आपको हम लोग देने वाले हैं, मैं देता हूँ अभी आगे वीडियो में आपको आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आदित्य एंड तन्वी ब्लॉग। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस। तो हमने टाटा पंच का अभी रिसेंट एवरेज निकाला जो हमने 3 सर्विस होने के बाद वो हमको आया 15.68 KMPL और ये हाईवे ज़्यादा था सिटी कम था और हमने मैक्सिमम गाड़ी इको मोड पर चलाई हुई है, ये बेस्ट माइलेज।